एक बात सुना दूं, किरमानशाह एक शहर है ईरान का बड़ा मशहूर, वहाँ एक आलम थे मोहम्मद अली, आलम थे मुल्क दीनदार परहेजगार। मौला कॉल ले तो क्या बात हो रही? हाँ, तो मोहम्मद अली उनके पास एक आदमी आया जाकिर था, मगर मौलाना को नहीं इल्म था कि ये जाकिरी करता। उसने अपना ख्वाब बयान किया, ये मैं किसी सुन्नी की लिखी बात नहीं बता रहा, एक शिया की बात बता रहा हूँ, जिससे बड़ा आलम शायद इस दौर में कोई शहीद कर दिया गया था शाह किरमाना, बहुत फर्सी था आदम फकी मुहदस। उसके बारे में उन्होंने पूछा था कि इस पर लान करनी जाएगा या नहीं शियों ने, तो जब वो शहीद कर दिया ना शाह ईरान ने, इन लोगों ने इस वजह से कि उन्होंने रस्मों पर बड़ी तनकीद की कि ये था मिशन इमाम हुसैन का, क्या गाँव तुम, तो इन्होंने फतवा पूछा इमाम खमीनी से कि इस पर मुतहरी पर लानत करना वाजिब है या सिर्फ जायज। उसने कहा तौबा तौबा तौबा, मेरा दस्ते रास्ता इतना चोटी का आलम, तुम लानत का पूछ, मैं बता रहा हूँ कि जब अवाम बिगड़ जाए, इतने बड़े आलम के बारे में पूछा कि लानत सिर्फ जायज है ये वाजिब, और पुतला जलाते हैं लखनऊ में उसका, तो उसने क्या रस्मों की मुखा, वो आलम था। उसने कहा इमाम हुसैन का मिशन क्या था तुमने, तो वो देखते हैं कि जब उस आलम के पास वो जाकिर गया, बताया नहीं मैं जाकिर हूं ना, उन्होंने पूछा, सिर्फ ख्वाब अपना बताया किरमानशाह में उस मोहम्मद अली साहब के पास मुत्तकी आलम दीन कि मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बोटियां तोड़ रहा, अपने दांतों से ना गोश्त काट रहा। तो मोहम्मद अली खामोश रहे कुछ देर, फिर उन्होंने पूछा कि मारूम होता तुम जाकिरी करते हो? उसने कहा हाँ मैं जाकिर। उसने कहा अल्लाह के बंदे में ख्वाब में यही बताया गया कि या जाकिरी छोड़ दे या मौत भर किताबों में जो बहते ना वो बयान कर, तुम मेंबर पर झूठ बोल कर इमाम हुसैन की लाश नोच रहे, ये हो रहा है। किसको बताए, ना सुनियों को बता सकते, सब अपनी अपनी बातों में मगन है, हक नहीं कोई सुनना चाहता, बस जो कर रहे हैं ना कहते हैं बस इसको जायज करो हमारे साथ चलो, सुनना नहीं चाहते कि सही क्या है गलत क्या। और भी उसने इतने वाकयात लिखे हैं कि झूठी किताबें लिखकर छाप देते हैं, और ये बना लिया कि जितना ज्यादा झूठ बोले हैं लोगों को रुलाए ना स्वाब होते, ये कारण सैयद मुर्तजा मुतहर पर्दे पर इसकी पड़े खवातीन। आप हैरान होंगे कि आलम इस्लाम का ऐसा वकील कि दो यूरोप कहता ना कि ये क्यों दीन में ऐसी फलसफियाना दलायल और अकल के साथ, वो तो किताबें हर शख्स को पढ़नी चाहिए कि खवातीन के बारे में इस्लाम क्या कहता है, पर्दा क्या, बहुत कीमती आदमी था सैयद मुर्तजा मुतहर।